हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम पूजा पवार है और मैं आज आपको एक बहुत अच्छा ब्लैक हेयर डाई स्प्रे बताऊंगी। वो स्प्रे ऐसा होगा जिसे आप, जिन लोगों को बहुत दिक्कत होती है वो मेहंदी नहीं लगा पाते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए वो ना बाजार वाली डाई इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही वो जैसे केमिकल वाली डाई होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर तरीके से ये बालों के लिए बहुत अच्छी होगी और इसे हर उम्र के लोग इस स्प्रे को लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा और बहुत ही असरदार है। और ये आपको, आप जैसे एक से दो बार इसे लगाएंगे ना, तो आपको एक से दो बार लगाने में ही आपको इसका रिजल्ट पता चल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा स्प्रे बनेगा और इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले ये मैंने आंवला का पेस्ट लिया है। आंवला का पेस्ट की रेसिपी वैसे मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, तो लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार इसके बारे में बता देती हूँ। ये आपको क्या करना है, आंवला को आप हल्का सा भून लीजिएगा, उसके बाद आप उसमें पानी डालकर अच्छे से उन्हें पकाकर, बहुत अच्छे से जब गल जाए तो उन्हें पकाकर उसका मिक्सी में पेस्ट बना लीजिएगा। तो बिल्कुल बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा पेस्ट बनेगा। तो ये ना ब्लैक हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि हम कुछ भी कर लें हमारे बालों में मेहंदी का रेड कलर ही आता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप कोई भी डाई यूज़ करते हैं, तो हर्बल वाली, तो उसमें आप एक चम्मच जो आंवला का पेस्ट है वो डाल लीजिएगा, तो उससे आपके बालों में बिल्कुल भी रेड कलर नहीं आएगा। क्योंकि हो सकता है जिस तरीके से मैं आपके साथ रेसिपी बना रही हूँ तो वो आप उस तरीके से ना बना, तो या फिर थोड़ा बहुत कमी रह जाती होगी कहीं ना कहीं, तो इस वजह से हो सकता है आपके बालों में रेड कलर आ। लेकिन आप कोई भी रेमेडी बना रहे हैं, अगर जो मैं आपको बता रही हूँ, तो उसमें अगर आप एक चम्मच आंवला का पेस्ट डाल लीजिएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा आपके बालों में। तो ये मैंने आपको बता दिया है, आपको आंवला को अच्छे से भूनना है, उसको पकाकर उसका मिक्सी में पेस्ट बना लीजिएगा, तो ये ब्लैक हेयर डाई का पेस्ट बन जाएगा। और इसमें हम लेंगे फ्रेश यानी कि ताजी छोटे वाली हरड़। ये देखिए छोटी हरड़ ऐसी होती है, तो ये फ्रेश वाली है, आपको ये आराम से मिल जाएगी। आप आजकल के मौसम में, जैसे सर्दियों का मौसम है, तो इस वाले मौसम में जैसे जनवरी के लास्ट, फरवरी मार्च तक ये आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगी। ये कहीं कहीं सब्जी मंडी में भी आती है, जहाँ से आप फ्रूट्स वेजिटेबल लेते हैं, तो ये आपको वहाँ भी मिल जाएगी। तो ये ना बहुत अच्छी होती है बालों के लिए। इसको मैंने सूखा कर भी मैं आपको इसकी डाई बताऊँगी, लेकिन ये फ्रेश वाली है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है बालों में। क्योंकि आप देखेंगे जब हम इसे अगर इसकी डाई बनाएंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छा ब्लैक कलर देगी। और इसका कलर ऐसा होता है कि अगर आप एक बार इसे लगा लेंगे ना, तो आपको कोई भी डाई पसंद नहीं आएगी। ये इतना अच्छा डाई के लिए इतनी अच्छी होती है छोटी हरड़, ये बहुत ही ब्लैक कलर देती है और इसका कलर ना बहुत लंबे टाइम तक टिकता है बालों में। इसलिए तो ये मैंने देखी, ये साबुत मैंने आपको दिखाई है, लेकिन मैंने इनको तोड़कर इनके बीज अलग कर लिए हैं ऐसे करके, क्योंकि हमें इसका सिरम पकाना है। हम इसका स्प्रे बनाएंगे जो आपको मैं बताऊंगी आज बनाना, इसलिए तो आप सबसे पहले हम इनको तोड़कर इनके जो बीज हैं वो अलग कर लेंगे, और जो इनका ऊपर का छिलका है यानी कि ऊपर का जो कवर है वो से अलग कर लेंगे, क्योंकि हम जो ऊपर का कवर है उसी से हम डाई बनाएंगे। तो ये देखिए हम इस तरीके से इसे अलग कर लेंगे, और ये स्प्रे ऐसा बनेगा कि आप इसे 15 दिन का भी बनाकर रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसलिए तो अब आप इसे चाहे तो आप इसे लोहे की कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको आज इसे स्टील के बर्तन में बताऊंगी बनाना, इसलिए क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अक्सर लोग ही सोचते हैं कि लोहे की कढ़ाई में तो वैसी चीज़ें काली हो जाती हैं, लेकिन आज मैं आपको स्टील के बर्तन में इसे बनाकर बताऊँगी कि ये कितना ब्लैक हो जाता है। उसके लिए देखिए ये मैंने पहले ही भगोना गर्म होने के लिए रख दिया है, जिसमें हम बनाएंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने गरम होने के लिए रख दिया है, जिसमें हम ये डाई बनाएंगे, और इसमें हम डालेंगे लगभग आधा गिलास पानी डालेंगे हम इसमें। मैं आपको थोड़ा सा बना के बताऊंगी, तो आप अपने हिसाब से, बालों के हिसाब से आप इसे ज़्यादा बनाकर रख सकते हैं। और इस सिरम को आपको पतला बिल्कुल नहीं बनाना है, जो हम आज ये स्प्रे बता रही हूँ मैं आपको, तो इसे आपको थोड़ा गाढ़ा बनाना है, जिससे कि हम इसे आराम से बालों में लगा सकें और हमारे बालों को ये ब्लैक कलर दे। इसलिए अभी देखिए पानी गर्म होने लगा है, ये इसमें हम सबसे पहले जो हमने ये हरड़ के बीज अलग किए हैं वो डालेंगे इसमें हम। ये मैंने लगभग 8 से 10 जो हरड़ हैं वो ली हैं, इन सबको हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए मैंने कम से कम 8 से 10 हरड़ ली हैं, जो अभी इसमें पकने के लिए मैंने रख दी हैं, और जैसे जैसे ये पानी गर्म होता रहेगा ना, देखिए अभी तो इसमें ग्रीननेस आ रखी है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें फिर आंवला का पेस्ट डालेंगे। पहले हम हरड़ को ही थोड़ा सा पानी में पकाएंगे। अभी काफ़ी हद तक देखिए पानी गर्म हो चुका है,
अब इसमें हम जो हमारा ये आंवला का पेस्ट है वो डालेंगे। ये मैंने 2 चम्मच 8 से 10 जो हरड़ के बीज है वो लिए हैं, और इसमें मैं 2 चम्मच जो आंवला का पेस्ट है वो डालूंगी। ये मेरा 2-2.5 चम्मच आंवला का पेस्ट है। अब इन दोनों को हमें लगभग इसी बर्तन में, हम इसे कम गैस में बिल्कुल लगभग 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। 4 से 5 मिनट पकने के बाद जब ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा फिर हम इसे छानेंगे। तो लेकिन अभी के लिए हम इसे 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही पकने देते हैं, जिससे कि जो हमने इसमें छोटी हरड़ डाली है वो और आंवला का जो पेस्ट डाला है वो दोनों चीज़ें मिलकर बहुत अच्छा सा गाढ़ा से हमारा सीरम बन जाए। इसलिए तो अभी इन्हें हम पकने देते हैं लगभग 5 से 6 मिनट तक। अभी देखिए मैंने ना इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है, और ये देखिए ठंडा होने के बाद आपको क्या करना है, इसे हम इसे छान लेंगे क्योंकि हम इसे स्प्रे बॉटल में भरेंगे। आप चाहे तो कॉटन की सहायता से भी इसे बालों में लगा सकते हैं, और आप चाहे तो इसे स्प्रे बॉटल में भी भर के लगा सकते हैं, है ना। तो अगर आप स्प्रे बॉटल में भर लेंगे तो और आसानी से आपके बालों में लग जाएगा ये, क्योंकि रूट्स में पूरा अच्छे से आपको इसे लगाना होगा और पूरी लेंथ में भी, और ये आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्दी पता चल जाएगा आपको बालों में। और इसके इसे यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम इसे छान लेंगे, मैं आपको थोड़ा सा छान के बता देती हूँ, क्योंकि इसमें मैंने जो आंवला का पेस्ट लिया था ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से बालों को काला करने का काम करता है, और बहुत जल्दी रिजल्ट इसका आपको पता चल जाएगा। और जो हमने इसमें फ्रेश हरड़ ली थी ना वो तो उसका तो जवाब ही नहीं है बालों को काला करने के लिए। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये, आप इसे यूज़ करेंगे तो ना आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट पता चल जाएगा। देखिए हम इसे थोड़ा सा और बचाए से अच्छे से छान लेंगे हम, और जो हरड़ थी अब देखिए हरड़ को कितना ब्लैक हो चुकी है हरड़ भी पकने के बाद। इसलिए और मैंने इसीलिए स्टील के बर्तन में बनाया था कि मैं आपको दिखा सकूं, ऐसा नहीं है कि हम जो हर भी इस्तेमाल करें वो लोहे की कढ़ाई में पकाए तभी वो ब्लैक होगा पानी, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे स्टील के बर्तन में बनाएंगे तब भी आपको उसका रिजल्ट पता चल जाएगा, क्योंकि ये इतना गाढ़ा और इतना अच्छा बना है ना, ये बालों को कलर करने के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा झंझट लगता है डाई लगाने में, या फिर उन्हें साइनस की प्रॉब्लम है, उन सब की दिक्कतों के मद्देनज़र मैंने आपको ये एक सीरम बताया है। और इस सीरम को आपको लगाना कैसे, आपको जब या तो आप इसे, जिन लोगों को कलर की दिक्कत है उनके बालों में मेहंदी का कलर अच्छे से नहीं आता है, प्रॉपर नहीं आता है, तो वो इसे जब भी कोई हिना लगाते हैं अपने बालों में सिर को वॉश करने के बाद, आप इसे स्प्रे को बालों में लगा लीजिएगा। हर बार जितनी बार भी आप सिर को वॉश करते हैं उसके बाद आप अच्छे से स्प्रे कर दें पूरी बालों की लेंथ है उसमें, पूरा रूट्स में, और इसको अच्छे से मसाज करके और इसे छोड़ दीजिएगा। तो ये ना तो आपके बालों में बिल्कुल भी ऐसा होगा कि बालों को नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही हर्बल और बहुत ही नेचुरल है, और जब आप इसे बनाएंगे तो इसकी स्मेल भी बहुत ही अच्छी है। इसलिए तो आप इसे हिना के बाद जैसे सिर को वॉश कर लेते हैं उसके बाद भी लगा सकते हैं, और जिन लोगों को लगता है कि उन्हें झटपट कहीं जाना है उनके बाल बहुत ज़्यादा ब्लैक दिखाई दे रहे हैं तो वो इसे लगाकर थोड़ी देर बालों को अच्छे से ड्राई कर ले तो ये रूट्स में ना बिल्कुल ब्लैक कलर देगा। और अगर आपको परमानेंट बालों को काला बनाना है तो आप इसे हमेशा हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार जरूर लगाएं, यानी कि जब भी सिर को वॉश करते हैं उसके बाद आप इसे स्प्रे को लगा लें। तो बहुत अच्छी रेसिपी है, आप इसे बनाइएगा, यूज़ कीजिएगा, हर उम्र के लोगों के लिए बहुत अच्छी है, और जिन लोगों की उम्र बहुत कम है और वाइट बाल हो गए ना उनके लिए तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इसलिए तो आप इस तरीके से इसे कॉटन की सहायता से भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप जैसे स्प्रे बॉटल में भरकर, इस तरीके से आप इसे स्प्रे बॉटल में भर लीजिएगा, इस तरह से स्प्रे बॉटल में भरकर आप इसे स्प्रे भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो अक्सर ये चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ इसलिए मुझे पता है इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल तरीके से बालों में काम करती हैं, बिल्कुल भी साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा इसका। इसलिए तो आप इसे बनाइएगा, यूज़ कीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी, और मेरी वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताएं, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।